यूपी के जनपद बहराइच में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत नवीन शिक्षण सत्र 2019-20 में 70% बच्चों का नामांकन तथा विशेष संचारी रोग नियंत्रण तथा दिमागी बुखार से लड़ने के लिए 1 से 31 जुलाई 2019 तक संचालित होने वाले दस्तक अभियान के द्वितीय चरण के लिए लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाए जाने के उद्देश्य से आयोजित होने वाली जन जागरूकता रैली को जिलाधिकारी शंभू कुमार ने हरी झंडी दिखाकर कलेक्ट्रेट परिसर से रवाना किया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुरेश सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एस के तिवारी, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जैन व डॉक्टर अजीत चंदा, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी वी पी वर्मा, यूनिसेफ के आर सी सतीश कुमार, डी एम सी यशपाल मिश्रा मौजूद रहे। कलेक्टर परिसर में आयोजित होने वाली जागरूकता रैली ने नगर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण कर आमजन को शिक्षा के महत्व, विशेष संचारी रोग नियंत्रण तथा दिमागी बुखार से लड़ने के लिए प्रदेश के 18 जनपदों में एक साथ संचालित होने वाले दस्तक अभियान से संबंध में जागरूक किया। सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत नवीन शिक्षण सत्र 2019-20 में 70% बच्चों का नामांकन तथा विशेष संचारी रोग नियंत्रण के उद्देश्य से बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता रैली में नगर के विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिकाएं व छात्र छात्राएं तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित दस्तक अभियान जागरूकता रैली में स्वास्थ्य, ग्राम विकास, पंचायती राज, नगरीय विकास, शिक्षा, सैनिकी, बाल विकास परियोजना, कृषि, पशुपालक, समाज कल्याण सहित अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, वीरेंद्र राव, बहराइच। देखिए, आज 1 जुलाई को हमारे जनपद में 2 विशेष अभियान का शुभारंभ हो रहा है। एक तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुरुआत हो रहा है, दूसरी तरफ शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल चलो अभियान का शुरुआत हो रहा है। दोनों का उद्देश्य है, जैसे बरसात का सीजन है और इस समय संचारी रोगों का बहुत ज़्यादा बोलबाला रहता है और इससे काफ़ी मौतें भी होती हैं, लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। इसके लिए अगर हम लोग जागरूकता ले आए, अगर लोगों में ये जागरूकता हो जाए कि किस तरीके से ये बीमारी को रोका जा सकता है, तो बहुत ज़्यादा इस संचारी रोग पे नियंत्रण हो सकता है। इसी जागरूकता के लिए संचारी रोग अभियान का प्रारंभ हुआ है। हर एक विभाग की इसमें भागीदारी हो रही है, स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, ICDS है, कृषि विभाग है, पशुपालन विभाग है, ये सारे विभाग मिलके इस संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। स्कूल चलो अभियान के पीछे हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे गरीब परिवार के हैं, प्राइमरी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते हैं जागरूकता के अभाव में, उनके अभिभावकों के जागरूकता के अभाव में, या किसी कारणवश स्कूल से वंचित रह जाते हैं स्कूल की शिक्षा से, तो उनको जागरूक करके उनके घरों तक पहुँच के उन्हें स्कूल तक लाने का उद्देश्य हमारा है। और इन सब के लिए जो है हम लोग हर एक घर तक दस्तक अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। हर घर तक जो है ये सारा संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का, हम पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं।